मैं डॉक्टर आरपी सिंह, होम्योपैथिक चिकित्सक, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको ई कोलाई संक्रमण रोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसेरिचिया कोलाई, जिसे ई कोलाई भी कहते हैं, एक ग्राम ऋणात्मक विकल्पी अवायु जीवी छड़ी आकृति का बैक्टीरिया है। ई कोलाई जीवाणु आमतौर पर स्वस्थ व्यक्तियों और जानवरों की आंतों में रहते हैं। ई कोलाई की अधिकांश किस्में हानिरहित होती हैं। इसकी अहानिकारक नस्लें मानवों के जठरांत्र क्षेत्र में रहती हैं और विटामिन के टू का निर्माण कर तथा हानिकारक बैक्टीरिया को स्थापित होने से रोक कर लाभ पहुंचाती है। लेकिन कभी कभी इस जीवाणु की प्रजातियां की कुछ नस्लें फूड पॉइजनिंग, डस्ट तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बन सकती हैं। यह जीवाणु व्यक्ति से व्यक्ति और प्रदूषित भोजन और पानी से संचारित किया जा सकता है। कुछ विशेष रूप से हानिकारक ई कोलाई, जैसे कि O157H7, गंभीर पेट दर्द, पेट की ऐंठन, खूनी दस्त और उल्टी का कारण बन सकती है। यह विशेष तौर पर कच्ची सब्जियां या कम पका मीट खाने से हो सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ई कोलाई 0157H7 के संक्रमण से हफ्ते भर में ठीक हो जाता है, परंतु छोटे बच्चों और बुजुर्गों को जानलेवा की परेशानी, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम होने का जोखिम अधिक रहता है, जिसमें अंततः किडनी काम करना बंद कर देती है। एक अनुमान के अनुसार ई कोलाई संक्रमण वाले 10% रोगियों को हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम विकसित हो जाता है, जिसमें से 3 से 5% लोगों की मौत हो जाती है। ई कोलाई के लक्षण। ई कोलाई 0157H7 बैक्टीरियों से प्रभावित होने के 3 से 4 दिन बाद इसके लक्षण दिखने शुरू होते हैं। हालांकि आप संक्रमण के पहले दिन से ही बीमार पड़ सकते हैं या फिर इसमें हफ्ते भर से ज़्यादा समय भी लग सकता है। इसके संकेत और लक्षण इस प्रकार हैं: डायरिया या सामान्य से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं, जिसमें मल के साथ रक्त भी आ सकता है, पेट में दर्द, पेट में मरोड़ या मृदुता, कुछ लोगों को मिचली और उल्टी भी आ सकती है, मतली या उल्टी, गंभीर पेट दर्द, पानी या खूनी दस्त, थकान, बुखार, मिर्गी का दौरा, गुर्दे की नाकामी, मूत्र में खून। मौजूदा संक्रमण। इस बार के संक्रमण में खूनी दस्त, गुर्दे की नाकामी और मिर्गी के दौरे जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ज़्यादातर लोगों में ई कोलाई बैक्टीरिया का जो रूप पाया गया है उसका नाम ई कोलाई 0104 है, जो आम नहीं है। अब तक ई कोलाई के ज़्यादातर मामले की असली वजह 0157H7 रहा था। बैक्टीरिया के उस रूप से संक्रमित लोगों के लक्षण भी इसी तरह के होते हैं। ई कोलाई के कारण। ई कोलाई विभिन्न प्रकार के होते हैं, परंतु उनमें से कुछ ही से डायरिया होता है। O157H7 बैक्टीरिया वाला ई कोलाई समूह एक शक्तिशाली विषाक्त पदार्थ पैदा करता है, जिससे छोटी आंत के अंदरूनी परतें प्रभावित हो जाती हैं और उससे खूनी अतिसार हो सकता है। यह तब होता है जब
O157H7 बैक्टीरिया खाने के जरिए आपके पेट में चला जाए। इस बैक्टीरिया की थोड़ी सी मात्रा भी आपको बीमार करने के लिए काफ़ी है, इसलिए आपका मीट खाने या दूषित पानी पी लेने से ई कोलाई संक्रमण हो सकता है। दूषित खाना से संक्रमण ई कोलाई संक्रमण का सबसे आसान जरिया है दूषित खाना, जैसे कच्चा दूध, गाय के दूध थन या फिर दूध निकालने वाले बर्तन पर ही कोलाई बैक्टीरिया हो सकता है। ताज़ी फल, सब्जियां, मवेशी, बाढ़ से निकलने वाला पानी या अन्य पदार्थ फल सब्जी के खेतों में पहुँचे तो कुछ सब्जियाँ विशेष तौर पर दूषित हो जाती हैं। दूषित जल से संक्रमण, इंसानों और जानवरों के मल से भूमिगत तथा नदी, तालाब, झरने जैसे भूजल स्रोत और फसल की सिंचाई कर पानी दूषित हो जाता है। जिनके पास निजी कुएं होते हैं उनके संक्रमित होने का खतरा अधिक होता है, क्योंकि वे जल को रोगाणु मुक्त करने के तरीकों का उपयोग नहीं करते। किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से संक्रमण, ई कोलाई बैक्टीरिया एक व्यक्ति से दूसरे तक आसानी से फैल सकता है, खासकर जब संक्रमित बच्चे बड़े हाथ ठीक से न धोए तो ई कोलाई से हर वह व्यक्ति प्रभावित हो सकता है जो इस बैक्टीरिया के संपर्क में आता है। लेकिन कुछ लोगों को यह परेशानी अन्य के मुकाबले ज़्यादा हो सकता है। इसके जोखिम कारक हैं उम्र, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और पके खाद्य पदार्थ, पेट में एसिड की मात्रा कम होना आदि। ई कोलाई से बचने के तरीके, मीट को ठीक से पकाएं ताकि कहीं से भी गुलाबी न दिखे। हालांकि सिर्फ रंग देकर भरोसा नहीं कर सकते कि यह पक गया है। दूध गर्म करके पिएं, कच्ची चीज़ों को खूब अच्छी तरह धोएं, एक से दूसरे को होने वाले संक्रमण से बचें, चाकू, बोर्ड, बर्तन आदि धोकर रखें जो कच्चे मांस के संपर्क में आए हों। कच्चे मीट को, फल सब्जी को काटने के लिए अलग अलग बोर्ड का इस्तेमाल करें। अपने हाथ साफ रखें, टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथ जरूर धोएं। ध्यान रखें कि जानवरों को हाथ लगाने के बाद भी अपने हाथ धोएं। अपने बच्चे के डायपर बदलने के बाद अपने हाथ जरूर धोएं। ई कोलाई इन्फेक्शन सिर्फ ई कोलाई O157H7 से ही नहीं होता, कुछ विशेष रूप से हानिकारक ई कोलाई विषाक्त पदार्थ बनाते हैं। इस विषाक्त पदार्थों को बनाने वाले बैक्टीरिया को सिंगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ई कोलाई या संक्षिप्त में STEC कहा जाता है। इस समूह में इंट्रोटॉक्सीजेनिक ई कोलाई, इंट्रोपैथोजेनिक ई कोलाई, इंट्रोजीग्रेटिव ई कोलाई, इंट्रोइवेसिव ई कोलाई और डिफ्यूसेली एडहेरेट ई कोलाई आदि विषाक्त पदार्थ का उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया आते हैं। ये STEC बैक्टीरिया 7 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान में बढ़ सकते हैं और 37 सेंटीग्रेड इनके लिए इष्टतम तापमान है। कुछ STEs अम्लीय खाद्य पदार्थों में बढ़ सकते हैं जिनका
पीएच स्तर 4.4 से कम होता है, परंतु ये सभी बैक्टीरिया खाद्य पदार्थों को पूरी तरह से पकाने से नष्ट हो जाते हैं, जब तक कि सभी हिस्सों में 70 सेंटीग्रेड उससे अधिक तापमान न हो तब तक उसे पकाते रहें। इकोलाई संक्रमण के जोखिम कारक। इकोलाई की संभावना बढ़ सकती है। छोटे बच्चे और बड़े वयस्क, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, पेट में एसिड की मात्रा में कमी आई, सामान्य आयु समूह, उम्र लगभग 5 से 10 वर्ष के बीच, सामान्य लिंग। ई कोलाई संक्रमण किसी भी लिंग में हो सकता है। ई कोलाई संक्रमण के निदान, स्टूल टेस्ट से ई कोलाई बैक्टीरिया की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है। होम्योपैथिक उपचार। आर्सेनिक एल्बम एक ई कोलाई संक्रमण के लिए एक प्राकृतिक दवा है, जो खाद्य विषाक्तता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। इस दवा की आवश्यकता वाले लोगों को गंभीर दस्त होते हैं, जहां मल पानी प्रचुर और दृढ़ होता है, या पेट में दर्द के साथ भाग लिया जाता है। मल पास करते समय व्यक्ति को मिर्च लग सकती है और मल में खून आ सकता है। थकान और शक्ति में कमी के निशान मौजूद हैं। अंग ठंडे महसूस करते हैं और मतली और दस्त भी मौजूद है। भोजन या पेय की सबसे छोटी मात्रा का सेवन करने से मल और उल्टी होती है। मुसब्बर। ई कोली में दस्त के प्रबंधन के लिए एक प्रभावी दवा है। मल पतला पानी वाला पीला और गर्म होता है। मल के दौरान पेट में गड़गड़ाहट और ऐठन के साथ गुदा में जलन भी मौजूद है। चीन सिन कोना दस्त की प्रभावी दवा है। जहां एक ई कोलाई संक्रमण के कारण थकन होती है, शरीर के तरल पदार्थों के नुकसान के कारण मल बहुत ढीला बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। मल पीला या भूरा हो सकता है। इससे सुगंध और पुट्टी की आती है। व्यक्ति प्रत्येक मल से पहले और बाद में शूल का अनुभव कर सकता है। वेरेट्रम एल्बम को प्रचुर मात्रा में पानी के मल और उल्टी के इलाज के लिए अत्यधिक माना जाता है। मल के दौरान पेट में पिंचिंग कॉलिक महसूस होता है। प्रचुर उल्टी के साथ थकावट और बेहोशी उत्पन्न हो सकती है। माथे पर ठंडा पसीना और ठंड लगना क्रोटम टाइम। कुछ मामलों में मल के रूप में एक ही समय में उल्टी हो सकती है। थाइमोल संक्रमण के लिए दिया जाता है। अब मार्क्सोल, कोलोसेंट, एपिकॉक, एपिस मेल्फिका लक्षण अनुरूप दिए जाते हैं। कैंथ्रिस जलन होने पर इसका उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।